जब भी किसी राज्य में विधानसभा चुनाव होने वाले होते हैं तो सभी राजनीतिक पार्टियां जाति का कार्ड जरूर चलती हैं। ऐसा ही कुछ हाल गुजरात में भी है। आज हम आपको बताएंगे कि गुजरात में किस जाति का पलड़ा भारी है। नमस्कार, मैं हूं अवनीश शर्मा, आप देख रहे हैं TV9 डिजिटल। गुजरात विधानसभा चुनाव का रण सज चुका है। सभी दल हार जीत का गणित लगाने में जुटे हैं। केजरीवाल ने 300 यूनिट फ्री बिजली देने का वादा किया है। बेहतर इलाज, सरकारी स्कूलों में शिक्षा, साथ में पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने की बात कही। सारे समीकरण की समीक्षा की जा रही है, लेकिन आइए जानते हैं कि गुजरात की कितनी सीटों पर किस जाति का प्रभाव है। गुजरात की कुल आबादी करीब 6 करोड़ है, जिसमें से OBC 52%, पाटीदार 16%, क्षत्रिय 16%, आदिवासी 11%, दलित 7% और मुस्लिम 9% है। इतिहास देखेंगे तो गुजरात के चुनाव में जाति गणित भी बहुत अहम भूमिका अदा करता आया है। गुजरात चुनाव पर ये कैसी प्रभावी है, अब आइए इसको समझते हैं। गुजरात में पिछड़ा वर्ग यानी OBC की आबादी ज्यादा है, इसका असर सीटों के गणित पर भी दिखता है। गुजरात की 182 सीटों में से 88 से 90 सीट ऐसी हैं जिन पर विजयी प्रत्याशी चुनने में OBC वर्ग का असर ज्यादा रहता है। पाटीदार समुदाय गुजरात चुनाव का दूसरा सबसे बड़ा फैक्टर है। ऐसा माना जाता है कि पाटीदार समुदाय का वोट जिस दल को मिल जाए तो उसी की सरकार बन जाती है। इस वोट पर BJP का एकाधिकार रहा है, लेकिन इस बार जनता के मन में क्या है ये तो चुनाव परिणाम के बाद ही पता चलेगा। हालांकि इतना साफ है कि पाटीदार समुदाय कम से कम 40 सीटों पर जीत हार का गणित बिगाड़ सकता है। गुजरात चुनाव में इस बार राजनीतिक दलों ने ट्रेंड बदला है। तकरीबन सभी दल आदिवासी वोट बैंक पर नजर गड़ाए हुए हैं। ये जरूरी इसलिए है क्योंकि गुजरात के आदिवासी समाज का एक दो नहीं बल्कि पूरी 27 सीटों पर प्रभाव है। चुनाव में ये सीटें महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती हैं। दलित वर्ग का भी गुजरात में खासा वर्चस्व है। आंकड़े इस बात की गवाही देते हैं कि गुजरात की 12 से 15 सीटों पर दलित समुदाय अपना प्रभाव रखता है। राजनीतिक जानकारों के हिसाब से सरकार बनाने के लिए दलित वोट बैंक की सभी दलों को जरूरत होती है। चुनाव में मुस्लिम समुदाय भी सीटों का गणित बिगाड़ सकता है। राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि गुजरात में 9 से 10 सीट ऐसी हैं जिन पर मुस्लिम वोटर अपनी पकड़ बनाए रखते हैं और किसी का भी समीकरण बिगाड़ सकते हैं। तो कैसा लगे हमारा वीडियो, कमेंट बॉक्स में फीडबैक जरूर दीजिए। बाकी तमाम देश दुनिया की खबर देखने के लिए देखते रहिए TV9 डिजिटल।